डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 भी इसका फैक्टर हुआ। उसके आगे पढ़ते हैं हम, क्या 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो क्या 8 के टेबल में आता है? तो यस, 8 के टेबल में 8 आता है, और ये डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा? 1। सो हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 3 नहीं है, 4 and 8। समझ आया आपको? यानी फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा जो हमारे गिवन नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑफ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। समझ आया? यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर वही होगा जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर भी ना बचे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फैक्टर। अब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स यानी गुणज, यानी गुणा होगी उसमें, अब मल्टीप्लाई होगा उसमें। अब ये हम गुणा किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो भी आपका गिवन नंबर होगा उसको आप अपने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अपने नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब जैसे माना हमें दिया गया है 3, और हमसे कहा गया है कि आप इसके मल्टीपल्स बताइए, गुणज बताइए, तो आप अब इसके मल्टीपल्स स्टार्ट करेंगे 1 से निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, जितने भी कहा जाए। वो आपसे कहेगा फर्स्ट 3 निकालो, फर्स्ट 5 निकालो, फर्स्ट 7 निकालो, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, किसको? अपने गिवन नंबर को, और वो आपके मल्टीपल्स हो गए। तो 3, 3 to the 6, 3, 3 to the 9, तो आपके 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा कि आप हमारे गिवन नंबर के इतने मल्टीपल्स निकाल के दो, तो आप स्टार्ट कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई करना। और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय काउंटिंग नंबर। समझ आया? काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and so on, जितने भी आपसे कहे निकालने के लिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।